दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है, 5 और 6 के बीच 11 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि इन दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याएं हैं वह अनंत होती हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो चलिए हम कैसे आसानी से और बहुत ही जल्दी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 5 और 6, इन दोनों के बीच हमें मालूम करना है 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 11 परिमेय संख्याएं, यह हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इस 5 को मैं 5/1 और 6 को 6/1 लिख सकता हूँ, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, यह इसलिए क्योंकि हमें हर बराबर करने हैं, और अगर कोई भिन्न हमारे पास है जिसके हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हमें हर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ तो दोनों के हर बराबर हो गए 1 और 1। अब आगे देखिए क्या करना है, हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 11। तो हम क्या करेंगे, 11 और 1, 11 में 2, 12 का इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। अगर 11 है तो 11 से 1 12, 1 जाता 12। अगर 5 ज्ञात करनी है तो 5 से 1 6, 6 का गुणा करेंगे। हमें यहाँ 11 परिमेय संख्याएं मालूम करनी है तो 11 से 1 ज्यादा मतलब 12 का हम इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए अंश और हर में हम 12 का गुणा कर लेते हैं दोनों में। अब देखिए हमें क्या मिला, यहाँ 12 × 6 60 और यहाँ 12 × 2 12, और यहाँ क्या मिला देखते हैं, 12 × 6 72 और 12 × 12, 60/12 और 72/12 इनके बीच में। तो देखिए 60/12 और इसे मैं थोड़ा दूर में लिखता हूँ 72/12, तो इसके बीच में कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। तो 60 के बाद 61/12 एक परिमेय संख्या, 62/12 63/12 लिखते जाइए, 64/12 65/12 66/12 67/12 68/12 और 69/12 70/12 71/12। तो इस तरह से हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं आसानी से मालूम कर सकते हैं, यह पहला तरीका है। अगले वीडियो में मैं एक और तरीका बताऊंगा और उसके द्वारा भी हम आसानी से परिमेय संख्याएं मालूम कर सकते हैं।